आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंडरकी के गांव हिसामपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 13 किलोमीटर है। बताते चलें कि इस गांव में ग्राम प्रधान की मौत के बाद उपचुनाव कराया गया था, जिसमें ग्रामवासियों ने श्रीमती गौसिया को गाँव का प्रधान चुन लिया गया है। इन 4 माह में इन्होंने कितना विकास कराया है और आगे सरकार से क्या मांग चाहते हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंडरकी के हिसामपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ पर पूर्व प्रधान द्वारा भी काफी विकास करवाया गया है, किंतु उनके देहांत उपरांत यहाँ पर अभी पिछले फरवरी के महीने में उपचुनाव हुए, जिसमें कि कार्यभार संभाले हुए यहाँ केवल 4 ही महीने गुजरे हैं। जो इस वक्त मौजूदा प्रधान जी हैं, उनसे हम बातचीत करके आपको पूरी जानकारी लेकर के बताएंगे कि इन 4 महीनों में इनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं और किस तरह से लॉकडाउन के चलते यहाँ गरीबों की मदद की गई है। आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 महीने कुल अभी जो है आपके टाइम पीरियड को हुए हैं, इन 4 महीनों के दौरान में आपने क्या क्या काम यहाँ गाँव में करवाया? 4 महीने के उसमें साहब, पहले तो जब शुरू से हम बढ़े तो हमने साफ़ सफाई गांव की कराई दोनों। उस साफ सफाई के बाद जो गरीब आदमी थे उनके लिए हमने राशन आटा चावल जो भी था हमारे हिसाब से वो हमने तो बढ़वाया, एक बार ना दो बार। और जो जैसे पैसा आया हुआ था उसका हमने गांव में खर्च कर विकास कराया 2 जगह, और शौचालय भी बनवाए हैं स्कूल में। जो काम चल रहा है जो हमारे उसके हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, ज़्यादा लंबा समय अब नहीं बचा है आगे चुनाव होने हैं इनके, तो इस टाइम पीरियड में आपकी क्या योजना है कि किस तरह का विकास कार्य आप और अभी गांव में दे देंगे, किस तरह की सेवाएं? अगर इसमें हमें अगर मौका मिला तो हम आगे को जरूर मेहनत करने कोशिश करेंगे। ऐसा रहा के साथ उसे होने के बाद में उसे छोड़ दिया जा रहा, ये है क्या? अब जब ऊपर से पैसा आएगा तो हेल्प कराया जाएगा, थोड़ा बहुत ये है कि अपने पास से करा सकता आदमी, लेकिन ज़्यादातर ये विकास का काम अपने पास से नहीं करा सकता। प्रधान जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर गांव में स्कूल में सौंदर्यकरण का काम चल ही रहा है, इसके अलावा सरकारी बिल्डिंग में से जैसे बारात घर पंचायत भवन ये आपकी ग्राम पंचायत में? नहीं, हमारे यहाँ सब शमशान घाट नहीं है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की बाउंड्री भी हुई है, टूट भी गई है वो। खेल का मैदान भी रहा है, अस्पताल भी गांव में नहीं है। कितनी दूरी पर है? कम से कम अस्पताल है 5 किलोमीटर दूर। पहले कोई स्वास्थ्य केंद्र कोई नहीं, कुछ नहीं है अस्पताल। जैसे कि आप पहले भी ग्रामवासी तो रहे ही हैं, अब आप प्रधान के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अपने गांव को और मतलब जो है सुंदर और विकसित करने के लिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, उसके लिए सरकार से आप क्या मांग रखना चाहेंगे? सरकार से हम ये चाहते हैं कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए। हमने पहले भी उसको भी निकलवाया अखबार में भी कि हमारे सरकार की तरफ से वैसे कोई मदद गरीब की है उसकी हमारी तरफ से ना होगी, लेकिन जो भी हुई है हम अपने पास से जो कर रहे हैं, जो सिलसिला आ गया वो कर रहे हैं अपने पास से। और हम जाते जाते हम सरकार से मदद चाह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि जितनी हमारी मदद मिल जाएगी तो इससे ज़्यादा गरीबों को नहीं करेंगे। सरकार की भी वजह से भी उसकी भी बात वैसे सरकार के साथ है, उसकी भी बात पहले से ही यहाँ पर नहीं है, तो हिंदू समाज है गांव में? नहीं है, कोई नहीं है हमारे। बारात घर पंचायत घर को लेकर के आप चाहेंगे कि यहाँ पर बने ग्राम समाज की भूमि है? यहाँ ग्राम समाज की भूमि नहीं है, वो तो पहले प्रधान से खत्म कर दी, लोगों के मकान बनवा दिए। ग्राम समाज है जो क्या है, उसमें कम से कम 25-26 बीघे जमीन है तालाब की, तो सब जनवादी लोगों को ऐसे। तो अब इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सरकार की मदद चाहते हैं, क्योंकि बारात घर भी काफ़ी ज़रूरी होता है गांव में? बारात घर हाँ जरूरी होता है, लेकिन इतना है कि इतनी हर जगह नहीं है, अगर जगह होती तो कहीं ना कहीं बनवा ली जाती है। इसकी मदद मिलती भी और हम भी मदद करते, जो सर पंचायत में बन जाता, पंचायत घर बनता या शादी घर बनता जो भी होता, लेकिन इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है ऐसे भेजा रखा। कितने परिवार अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की ज़रूरत है? कम से कम मेरे तो मेरे ख्याल से 40-50 आदमी तो ऐसे हैं जो कच्चे मकानों में उसमें रह गए। पहले प्रधान से वो पार्टी से अलग थे, जो कि आज भी देख लो उनके कच्चे मकान छप्पर में रह रहे हैं, उनका कोई भी उनकी मदद न करेगी। हाँ, जो जिस इलाके थे उसे उस इलाके में समझा गया उनका, और जो इलाके थे उनने अपने हिसाब से वो काम करा के अपने अपने आदमी, मतलब भेदभाव से काम किया गया। हाँ, भेदभाव से काम किया गया या कोई देख के हिसाब से जो जिस हिसाब का आदमी उस हिसाब से काम नहीं करा गया। हम तो ये चाहते हैं जो जिस इलाके है उसकी इसी हिसाब से मदद करें। हाँ बस,
जैसे कि यहाँ पर 70 दिन का लॉकडाउन पूरी तरह से रहा है और अब अनलॉक है, लॉकडाउन हालांकि समाप्त नहीं हुआ है, अनलॉक है, लेकिन फिर भी काफी ढिलाई यहाँ लोगों में बरती जा रही है, इसके लिए आप अपने गाँव वालों से क्या कहना चाहेंगे? गाँव वालों से हम सब पहले से ये कह रहे हैं कि अपना भैया इस बात की पूरा खोज होगा, अपना जैसे घरों में इंतजाम से मास्क लगाओ, उनका उनका जाना है आना है, थोड़ी सी दूरी से रहो, जो कि किसी को परेशानी को न पड़े, तो बाहर का आने आने वाला है उसकी सूचना दो, और उसे जो है वैसे भी हमने उसके ऊपर दी थी रिपोर्ट है सर, जो आने वाले हैं और कोई आने वाला होगा तो उसकी भी लगे, और ये चाहते हैं कि लोगों में जो है कि अपना है हमारे वैसे इतनी परेशानी को नहीं आई है, क्योंकि फिर भी अपना सरकार का उसके ऊपर बाहर का आदमी सावधानी रही है बहुत अच्छे से। अपने स्तर पर क्या सेवा करिए लॉकडाउन में चलते हैं लोगों को, हमने अपने स्तर पर साहब को ये जैसे चावल आटा दिया, चावल बांटे, अपना ना बटवाए भी थैलों से उससे ही, क्योंकि उसमें ऐसा ना कर साहब पैसे तोड़ के उसके साथ में पदों थैले दिए और वैसे पैसों से उसकी मदद भी गई लोगों ने ऐसा रहा। हमने यहाँ बातचीत की है, कुल 4 महीने अभी इनके कार्यकाल को यहाँ पर गुजरे हैं, जिसमें कि काफ़ी हद तक अपनी पूरी कोशिश के साथ इन्होंने यहाँ विकास कराया है, जैसे कुछ खरंजे यहाँ पर करवाए हैं, स्कूल में भी शौचालय वगैरह का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, इनकी कोशिश आगे भी जारी है कि अगर समय मिले और जनता इन्हें मौका दे तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास यहाँ पर कराने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी। लॉकडाउन के चलते भी कई गरीब परिवारों को काफ़ी हद तक राशन वितरण और भी कई तरीके से यहाँ पर इन प्रधान द्वारा जो है मदद मिली है। मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि जो समस्याएं यहाँ अभी बाकी हैं, जैसा कि बारात घर, पंचायत घर जो कि यहाँ पर निर्मित नहीं है ग्राम समाज की भूमि न होने की वजह से, और कुछ परिवार यहाँ ऐसे हैं जो अभी भी कच्चे मकानों में हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है, इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा करें। अशरफ अली के साथ बना लें सूर्य कर। इसके साथ ही आइए कुछ जानकारी ले रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि पिछले बीते हुए 4 वर्षों में और अब जो 4 महीने का कार्यकाल यहाँ पूर्व मौजूदा प्रधान जी का रहा है, इसमें क्या क्या विकास कार्य यहाँ हुए हैं या विकास को लेकर के ग्रामीणों का क्या कहना है आइए जानते हैं। आपका नाम बताइए। हमारा नाम हजारू हुसैन है। यहाँ विकास को लेकर के क्या कहना चाहिए? विकास ऐसा हुआ है कि आपसे 20 साल सेमिनार हुआ जैसे कि आपके विकास हो गए 4 महीने में। 4 महीने 4 महीने और हम ही नहीं कह रहे, पूरी आबादी पड़ी हुई है यहाँ। पिछले 4 सालों में जो यहाँ के प्रधान रहे हैं 4 महीनों में कर दिया, यानी यहाँ जो आप इस वक्त बिल्कुल बढ़िया वाला एकदम ऐसे आदमी हमें खुश भी है जो गरीबों को देखभाल करे वो मदद भी किया, हर गरीबों का हर गरीबों तक पहुँच सके। मोहम्मद हनीफ जी यहाँ निजामपुर में जैसे कि पहले भी प्रधान रह चुके हैं और अब दोबारा उपचुनाव हुए हैं यहाँ 4 महीने हुए हैं, तो विकास कार्य को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पहले बहुत परेशानी थी, नालियों में पानी तलक नहीं चला था, सड़कों पर भी पानी बहुत बहुत खड़ा हो जाता था, अब रोड पे धूल तलक की नहीं मिलती, मतलब सफाई का यहाँ इतनी सफाई हो रही है 3-4 महीने में, इतनी सफाई कर दी और नालियों की क्या हर चीज़ की इन्हें देखा भाली हो रही है, जैसे जो प्रधान जी के काम से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल जी सर।